जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में उन्नाव सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान साक्षी महाराज का शॉल ओढ़ाकर चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का है पप्पू जो बड़ी बेशर्मी से कहता है कि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को पागल घोषित करते हुए कहा कि बड़ी तपस्या के बाद ही सावरकर पैदा हुआ करते हैं। उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी से कहा कि वह गांधी भी नहीं है, वह तो फिरोज खान का पोता है। राहुल गांधी ने गांधी शब्दों को भी उधार लिया है, क्योंकि तुम्हारे बाबा गांधी नहीं खान थे। यह कहकर उन्होंने इंदिरा गांधी को भी एक मुस्लिम की पत्नी बताया। उन्होंने शहीदों की दुहाई देते हुए कहा कि जिन शहीदों के बल पर आजादी प्राप्त की कांग्रेस, उनका अपमान शुरू से ही करती चली आ रही है। उन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए कहा कि यह देश हमारा है राहुल, यह देश तुम्हारे बाप का नहीं है। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन कांग्रेस ने कुर्सी लोभ में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करवाया। कांग्रेस हमेशा फूट डालकर राजनीति करती रही है, अब हिंदू जागा है कांग्रेस का बंटाधार होगा। उन्होंने कश्मीर में लगी धारा 370 को हटाने का भी जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने मंच के माध्यम से तीन तलाक के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग तीन तलाक को लेकर कह रहे थे कि सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलने दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन बिल से मुसलमानों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वह उनके लिए नहीं है, वह पहले नागरिक थे और अब भी रहेंगे। देखिए जनपद मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की एक खास रिपोर्ट। हम संत हैं और संत की कोई जाति नहीं होती, सब एक समाज के होते हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। इस देश में आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर लड़े थे। देश जब आजाद हुआ तो देश के बंटवारे की बात आई तो हमारे राष्ट्रपिता बापू गांधी जी ने कहा था, मेरी लाश पर होगा देश का बंटवारा, मैं नहीं बंटने दूंगा देश। लेकिन जो आज की कांग्रेस है, और कांग्रेस का वो पप्पू वो बड़ा बेशर्मी से कहता है कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं। इस पागल को ये पता नहीं, सावरकर बनने के लिए सैकड़ों जन्म तपस्या करनी पड़ती है, तब सावरकर पैदा हुआ करते। और तू तो गांधी भी नहीं है, तुझे फिरोज खान का पोता है, ये भी गांधी शब्द भी उधार का लिया हुआ। तुम्हारे बाप दादे तो गांधी थे नहीं, तुम्हारे बाबा तो फिरोज खान थे। तो फिरोज खान का पोता आज सावरकर साहब, इंदिरा गांधी भी इनका सम्मान करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी तो बेहद सम्मान करते थे। आपको कभी सौभाग्य नहीं मिला है, मैं दर्जनों बार गया हूं जिसे आप लोग काला पानी कहते हैं, शरूर जेल जो कलकत्ता से भी 12-1300 किलोमीटर समुद्र पार करके है, वहां दोनों भाई जेल के शिक्षों में बंद थे। तो जिन शहीदों के बल पर हमने आजादी प्राप्त की, कांग्रेस उनका अपमान शुरू से करती चली आ रही है। मैं कहा करता हूं, लोगों के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोगों के भाव से खरीदी थी हमने आजादी, अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा। चंद जांबाज लड़ाकों का के धरती पर किसी एक के बाप की फिरौती नहीं है देश मेरा। ये देश वीर सावरकर का है, ये देश पंडित चंद्रशेखर आजाद का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, ये देश पंडित बिस्मिल का है, ये देश अशफाक कोल्ला का है, ये देश सरदार भगत सिंह का है। राहुल तुम्हारे बाप का ये देश नहीं है, और देश बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और आपको पता है, महात्मा गांधी बेचारे चिल्लाते रहे कि हमारी लाश पर होगा देश का बंटवारा, पर कांग्रेस ने कुर्सी के लोभ में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया, धर्म के आधार पर।
और ये कोई बात राजनेता कोई कहने को तैयार नहीं था, कोई दलीय बात नहीं कह रहा था, पर मैं इस धरती से अपने देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह का हृदय से वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने हाउस में खड़े होकर कहा कि अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा ना होता तो इस सरकार को नागरिकता बिल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं 23% हिंदू था, आज तो 2.5% रह गया। कहां गया वो हिंदू, कौन देगा जवाब? मार दिया गया, मुसलमान बना दिया गया। आखिरकार 23% हिंदू था वो कहां चला गया? वो जो 2.5% रह गया उसका भी जीना दूभर है। यही हाल हुआ बांग्लादेश में, यही हाल हुआ अफगानिस्तान में। गिन गिन के हिंदू को, जैन को, सिख को, पारसी को, ईसाई को गिन गिन के मारा गया। माता बहनों के साथ बलात्कार, स्तन काटना, ये आम रोजमर्रा की बात हो गई। तो वहां के लोग, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोग हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन, पादरी, बौद्ध, ये सब शरणार्थी बन के हमारे हिंदुस्तान में आ गए। और हमारी परंपरा है, विभीषण आया था, राम जी ने शरण ली, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो राम जी ने कहा कोट विप्रवज लागे जाऊ आवे शरण तजो न ताऊ, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसको गले से लगाऊंगा। मेरे पास शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का और भाई अमित शाह का गिर सकता था। अब तक देश में तुष्टिकरण के लिए निर्णय होते रहे, पहली बार ये नागरिकता संशोधन का जो बिल आया है ये हिंदुस्तान की जड़ें बहुत मजबूत करने वाला। कुछ कांग्रेस ने कहा ये नागरिकता का बिल लाए हैं इसमें एनआरसी की बू आ रही है। अमित शाह जी ने कहा बू नहीं आ रही है, हमारा खुला खेल है। मैं कह सकता हूं खुला खेल फरक्खावादी। इसके बाद हम एनआरसी लाएंगे, हाउस में कहा, और एनआरसी सारे देश में लागू होगी, और जो भी रोहनिया घुसपैठिए हमारे देश में है चुन चुन के गिन गिन के एक एक को निकाल के बाहर हम फेंकेंगे, एक को भी हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। अमित शाह की घोषणा के बाद ममता जी की नीचे के पैरों के नीचे की मिट्टी खसक गई, कांग्रेस चारों को चित हो गई। मालूम है क्यों? ये तो राजनीति नहीं का हल बदल कर रहे, इस देश में पहली बार हिंदू इकट्ठा हुआ है, ये तो फूट डाल के राजनीति करते रहे। ये सब इसलिए घबरा गए कि जब हमने कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला का नाम सुना, मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाए तब भी मोदी 370 नहीं हटा सकते, ये कहता था। और वो हमारा एक गधा हैदराबादी वो कह रहा था दुनिया की कोई ताकत 370 नहीं हटा सकती, और कश्मीर से धारा 370 35 से चुटकियों में हटा दी गई, नहीं गिरी। ट्रक तलाक का जो मामला आया, ट्रिपल तलाक का, तो कह रहे थे साहब हमारे मजहब में हस्तक्षेप है, शाम प्रदाक दंगे हो जाएंगे, एक पत्ता नहीं हिला, ट्रिपल तलाक भी हमने खत्म कर दिया। उसके बाद वो कपिल सिब्बल कांग्रेस से और सुप्रीम कोर्ट अयोध्या का फैसला मत करना साहब, हमने कहा जो कुछ करना है करिए। अयोध्या का फैसला आया प्रभु श्री राम के पक्ष में, सारे हिंदुस्तान में पत्ता तक नहीं हिला, एक पत्ता नहीं हिला। तो कांग्रेस को, ममता को, विपक्षी लोगों को लगा ये मोदी अमित शाह सब करते चले जा रहे, पत्ता नहीं हिला। तो नागरिकता के इस बिल पर पत्रकार बंधुओं मेरी बात नोट की जा सकती है, जब किसी
बिल के पास होने पर पत्ता तक नहीं हिला तो नागरिकता के संशोधन के बिल पर जिस बिल का हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान नागरिक था, नागरिक है, नागरिक रहेगा, उसे बराबर के अधिकार है। ये नागरिकता संशोधन बिल से मुसलमान का इफेक्ट नहीं हो रहा। ये बिल तो केवल उन लोगों के लिए बनाया गया जो हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, बाजरी है, जो अफगानिस्तान, बंगला से और पाकिस्तान से शरणार्थी बन के आए, ये उनके लिए बनाया गया, ये मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।